ईडी का डर उसी को सताता है जिनके पास काला धन रहता है। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते थे कि वो डरते नहीं है, डरो मत, ये कहा था उन्होंने, और खुद डर क्यों रहे? घर पे बात हुई है ईडी वालों से उनकी, सरकार रेड पर आएगी। वो झूठ का खेती करते हैं और नैरेटिव झूठ का करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। राहुल गांधी को अब ईडी का डर सता रहा है, ऐसा राहुल गांधी को कहना है। इसी को लेकर जब सवाल किया गया आर के सिंह और सैयद शहनवाज हुसैन से, तो पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बात। देखिए सर, ईडी का डर उसी को सताता है जिनके पास काला धन रहता है। ये तो और आम आदमी को ईडी का डर नहीं सताता है। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते थे कि वो डरते नहीं हैं, डरो मत, ये कहा था उन्होंने, और खुद डर क्यों रहे? अगर वो पाक साफ हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी खबरों में बने रहना चाहते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उनके बयानों से। राहुल गांधी वायनाड में ध्यान दें, ये वायनाड के लोग जो डरे हुए हैं उनसे उनकी चिंता करें, ना कि वो खुद डरने लगे। राहुल गांधी ने कहा है, एक मिनट, राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी की रेड होगी उनके घर पे, बात हो रही है ऐसी कुछ? भाई हम 100 रुपया में बेचेंगे, 100 रुपया। राहुल गांधी ने दादा कहा है कि ईडी की रेड हो सकती है उनके घर पे, बात हुई है ईडी वालों से उनकी, सरकार रेड पर आएगी। वो झूठ का खेती करते हैं और नैरेटिव झूठ का करते हैं। काट की हाड़ी बार बार नहीं चाहता। आइए संजीव, रोक लीजिए भैया, रोक लगा, फिर भी सरकार उसको कुर्सी पर बनाए क्यों रखी हुई थी? सर सर, आइए संजीव, हम दोनों नेताओं का एक उनका साफ तौर पे कहना है आरके सिंह का कि जिनके पास काला धन होता है उन्हीं को डर लगता है, आम आदमी को डर लगता है। और वहीं शहनवाज हुसैन ने साफ तौर पे कहा है कि वो तो फ्लोर पर बोलते हैं कि हमें किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि अब ईडी का जो शिकंज है वो हम पर कसा जाएगा, और जिसको लेकर काफी राजनीतिक बोल रही है, जहां विपक्ष ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जिनके पास काला धन होता है उन्हीं को ही ईडी से डर लगता है। लेकिन जिस तरह से बिहार के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार बिहार में आ रहे हैं, और आर के सिंह को कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, जिस तरह से वो आरा से चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अब जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आर के सिंह के बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, और जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार कह रहे हैं कि अब ईडी का शिकंज कसा जाएगा, उसको लेकर भी सत्ता पक्ष के नेता क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस तमाम खबर में न्यूज़ पोर्न के साथ, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।